नमस्कार, मैं हूं अनीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं आर पार। क्या कुछ मौलानाओं की छोटी सोच, उनकी कट्टर मानसिकता ने मुस्लिम महिलाओं को बराबरी के अधिकार से दूर कर रखा है? ये सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जब भी मुस्लिम महिलाओं को कोई नया अधिकार मिलता है तो ये मौलाना बौखला जाते हैं, धर्म को ढाल बनाकर सरकार को ललकारने लगते हैं। इनकी कट्टर सोच के चलते अब तक मुस्लिम महिलाओं की आस्था पर भी पहरा लगा हुआ था। मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज पर जाने की छूट नहीं थी, सोचिए। लेकिन तीन तलाक से आजादी के बाद मोदी सरकार हज पर भी मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा देने वाली है, क्योंकि अब 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हज के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ मौलाना इसके विरोध में अपना झंडा बुलंद कर दिए हैं और आज इन तमाम मौलानाओं की पोल खोलकर हम रखेंगे आपके सामने। इस मुद्दे पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस और मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि इस सोशल डिबेट पर आप अपनी राय ट्विटर और फेसबुक पे जरूर दें, जो कि बेहद जरूरी है। क्या इस देश के कुछ मौलाना मुस्लिम महिलाओं को बेचारा बनने पर मजबूर कर रहे हैं? क्या कुछ मौलानाओं की छोटी सोच मुस्लिम महिलाओं की आजादी छीन रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार नई हज पॉलिसी बनाने की तैयारी में है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को हज पर अकेले जाने की छूट मिल सकती है। फिलहाल मुस्लिम महिलाएं महरम यानी किसी पुरुष के साथ ही हज पर जा सकती हैं। लेकिन मोदी सरकार की नई पॉलिसी में सिफारिश की गई है कि 45 साल से अधिक उम्र की महिलाएं बिना महरम के हज पर जा सके। हालांकि इसके लिए चार महिलाओं का ग्रुप जरूरी होगा। महरम उसे कहते हैं जिससे महिला का निकाह नहीं हो सकता, यानी पिता, सगा भाई, बेटा और पोता नवासा महरम हो सकते हैं। हज पर जाने की छूट का भी रिकमेंडेशन है। भारत हमारा एक सेकुलर देश है। हम सेकुलर देश होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से महिलाओं को अकेले हज यात्रा पर प्रतिबंध लगाएं, ये कतई ठीक नहीं है। लेकिन ये खबर सामने आते ही कुछ मौलाना तिलमिला गए। जरा देखिए ये कैसी बौखलाहट है। कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि औरत बगैर हज के, बगैर महरम के हज पे नहीं जा सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि इस्लाम से ज्यादा कौन सा मजहब है जो औरतों की इज्जत का मकाम देता हो। और अगर बराबरी करने की बात है तो 9 महीना औरत पेट में बच्चा रखती है, उसमें भी बराबरी होनी चाहिए और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। अगर हुकूमत जबरदस्ती करेगी तो मजबूरन मुसलमानों को मैदान में आना पड़ेगा और इसके खिलाफ मुजाहरा करना पड़ेगा। औरत के साथ में महरम का रहना जरूरी करार दिया है, तो अब ऐसी सूरत में मरकजी वजीर का इस तरीके से बयान देना या कोई पॉलिसी बनाना शरीयत के खिलाफ है। हम उनसे मुतालबा करेंगे और हमने खत लिख करके मुतालबा किया भी है कि कोई भी ऐसी पॉलिसी वजह न करें जो शरीयत की खिलाफ हो या इबादत में खलल वाक़ होता हो। अगर सऊदी अरब में या हमारे मक्का शरीफ में इसकी अगर इजाज़त है तो क्यों हमारी जो भारत की जो हमारी मुसलमान बहनें हैं वो इससे वंचित रखी जाएं, समझ भी नहीं आता। तो महरम के बगैर भी पूरी सेफ्टी के साथ अगर चार औरतें जाएं तो उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत होगी और आसानी होगी और सस्ता भी उनके लिए होगा, क्योंकि महरम का अलग फेयर होता है जो खर्च करना पड़ता है। वैसे मुस्लिम महिलाओं पर पाबंदी का ये अकेला मामला नहीं है। चंद दिनों पहले ही दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करके कहा था कि मुस्लिम महिलाओं का बाल कटवाना, आईब्रो बनवाना, ब्यूटी पार्लर जाना इस्लाम के खिलाफ है। सवाल है कि क्या इस देश में कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को पाबंदियों में जकड़ कर रखना चाहते हैं? आखिर क्यों कुछ लोगों को मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी चुभ जाती है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुस्लिम महिलाओं को बंदिशों से आजादी कब? और अब वो विश्लेषण जो इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए सुनना बहुत जरूरी है। मुस्लिम महिलाओं पर कट्टर बंदिशों का विश्लेषण सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे कुछ पॉइंट सुनकर। कट्टर सोच के चलते मुस्लिम महिलाओं की आस्था पर बड़ा पहरा, इबादत से लेकर महिलाओं के श्रृंगार तक पर पाबंदी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, फतवा जारी हो जाता है कि महिला मेकअप नहीं कर सकती, लिपस्टिक नहीं लगा सकती, ये तक होता है। उसके बाद इस्लाम में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा है, ये साफ और सुथरी बात। उसके बाद धर्म को ढाल बनाकर कब तक चलाएगी कुछ मौलानाओं की दुकान, जो कि लगातार कई सालों से चल रही है। और आज मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल के अंदर, मैं तारुफ करा देता हूं आपका। अपने पैनलिस्ट है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता
जफर इस्लाम इस डिबेट के अंदर लाइव। मेरे साथ अबू आजमी है, नेता समाजवादी पार्टी के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। जफर सरेश वाला है, चांसलर है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मौलाना सादिक रशीदी है, मुस्लिम धर्म गुरु है। मेरे साथ सैयद रिजवान अहमद है, इस्लाम के बड़े जानकार है और पेशे से वकील है। मेरे साथ अंबर जैदी है, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस डिबेट के अंदर, बिना लाग लपेट के, बिना इधर उधर गए। और मैं तमाम पैनलिस्ट को कहना चाहता हूं कि एक दूसरे को ओवरलैप मत करिएगा, ये मेरी गुजारिश है आपसे। मैं आपसे जफर सरेश वाला पहला सवाल आपसे दागता हूं और पूछता हूं, एक बात बताइए, इस्लाम में क्या महिलाएं और पुरुष बराबर नहीं है? और अगर भारत की सरकार ये फैसला कर रही है कि मुस्लिम महिलाएं अकेली हज पे जा सकती है 45 साल से उम्र की बड़ी, तो इसके अंदर इस्लाम खतरे में कैसे आ जाता है, समझाइए। आप भी तो इस्लाम के जानकार हैं, आप भी तो मुस्लिम धर्म को समझते हैं और उसको मानते हैं, बताइए ये मौलानाओं ने क्यों अपनी आस्तीनें चढ़ा ली है इस मुद्दे को लेकर। अमीश, पहली बात तो इस्लाम में औरत और मर्द दोनों को बिल्कुल बराबर का हिस्सा दिया है, इसलिए कि कुरान को अगर आप उठाकर देखें तो जो अहकाम मर्दों के लिए हैं वही औरतों के लिए हैं, और कुरान ने जहां मर्दों को एड्रेस किया है वहां औरतों को भी एड्रेस किया है, तो शायद ही कोई चीज ऐसी है कि जहां बराबरी का मकाम नहीं है औरतों को। रही बात जो अभी आपने जो बहस ये हज वाली जो शुरू की है, तो मैं दो तीन बातें यहां कहना चाहता हूं। जी जी। एक तो सबसे पहले ये भारत की सरकार या हमारी जो गवर्नमेंट जो इजाजत दे रही है औरतों को, ये तब दे रही है कि जब सऊदी गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, इसलिए कि सऊदी गवर्नमेंट जो है, आप मुझे एक बात बताइए कि इस्लाम का जो प्रतिबिंब जो है दुनिया में सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन वो सऊदी हुकूमत है, ठीक है, तो क्या सऊदी गवर्नमेंट ऐसा कोई काम, वो भी इस्लामिक यानी हज वाला, कोई ऐसा काम जो गैर इस्लामिक हो करने की इजाजत देगी? फिर ये मौलानाओं को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है सर? दो बातें देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ। सिंघार पे पाबंदी, महिलाओं के अकेले हज पर जाने पे पाबंदी क्यों? आप ये पूरी होने दीजिए। जी जी, ये पूरी होने दीजिए, 30 सेकंड और देता हूँ मैं आपको। नहीं है, सुनिए मेरी बात, प्रॉफिट की हदीस है, प्रॉफिट की हदीस है, उन्होंने अदी इब्ने हातिम को कहा था कि एक दिन आएगा कि एक औरत तन्हे तन्हा हीरा से, यानी जो यमन में है, वहां से चलेगी और बैतुल्ला पहुंचेगी, तवाफ करेगी, यानी अकेली औरत, और वो हजरत उमर के जमाने में हुआ, एक औरत तन्हे तन्हा अकेली हीरा से चली, जो 2500 किलोमीटर का सफर है। हजरत उमर ने जब उसको इस्तकबाल किया वहां पर, तो ये नहीं पूछा कि क्या तू अकेली क्यों आई है, तेरा महरम कौन है, बल्कि यूं पूछा कि बेटी तूने कैसे ये सफर किया, क्या पाया? तो उसने कहा कि हजरत मैं ऐसा लगता था कि मैं एक शहर से जब दूसरे शहर में दाखिल हुई तो ऐसा लग रहा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में आई हूं, और मुझे जो मर्द मिले ऐसा लग रहा था कि वो मेरे भाई हैं, जो औरतें मिली वो मुझे लगा कि वो मेरी बहनें हैं, ठीक है। और हजरत उमर के जमाने में, हजरत उस्मान के जमाने में प्रॉफिट की जो पाक बीवियां थी उन्होंने हज की है, तो ये बिल्कुल नीडलेस कंट्रोवर्सी है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। और ये जो है वो एहतियात का पहलू है, लेकिन अगर नॉर्मल है वहाँ सारा इंतजाम ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि औरत अकेली नहीं जा सकती। मौलाना रशीदी, ये ढकिया न्यूसी सोच आप क्यों इस समाज पर थोपना चाहते हैं? क्यों मुस्लिम महिलाओं को बंदिशों की बेड़ियों में बांध के रखना चाहते हैं, बताइए? श्रृंगार से लेकर हज की इजाजत वो आपसे ले और आपको साथ लेकर जाए, क्यों? देखिए हमेश, एक चीज को तो आप समझ लीजिए, गलत बोल रहे हैं, एक मिनट सुन लो जी, लफ्ज निकला नहीं आपने टोक दिया। जी बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, नई हज पॉलिसी आई है, उस पर क्या अमल दरामद होगा, एक तो बात यह है, उसको छोड़ दीजिए, जब कुछ होगा देखा जाएगा। दूसरी बात यह है, मुख्तार अब्बास नकवी मेरे साथ एक चैनल पे आज थे, उन्होंने साफ कहा है कि जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अगर किसी स्कूल ऑफ थॉट्स को ऐसा लगता है कि अकेली महिला को नहीं जाना चाहिए, तो हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, क्यों नहीं जाना चाहिए अकेली महिला को? क्यों नहीं जाना चाहिए? महिला सीईओ बन सकती है, चांद पे जा सकती है, हज पे नहीं जा सकती? मौलाना साहब सुन तो लो ना। नहीं, बिल्कुल सुनूंगा आपकी बात, अगर आप कायदे की बात करेंगे तो। अकेली महिला हज पर नहीं जा सकती क्योंकि मौलाना रशीदी को पसंद नहीं है।
फिर वही बात है, ये आर्गुमेंट क्या, ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है ना सर, लाजमी नहीं है। आप सुन तो लो ना, अभी तो मुख्तार अब्बास नकवी की बात कही मैंने, तो अपनी कही नहीं, बोलिए आप अपनी बात, अभी कही नहीं मैंने, बोलिए आप अपनी बात, अफजल अपनी बात बोलिए ना, मुख्तार अब्बास नकवी अपनी बात करेंगे, उनकी पार्टी के प्रवक्ता है जफर सर, सुनिए अफजल की पार्टी के प्रवक्ता है जफर इस्लाम, अरे सुन तो लीजिए यार, दिक्कत ये है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी तो आवाज पर भी पहरा है, पता नहीं क्यों है। अफजल अमानुल्लाह जो इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी आज इस बात को साफ किया है कि कोई भी स्कूल ऑफ थॉट्स अगर नहीं जाने देना चाहता तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल साफ तौर से। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अगर कोई मुस्लिम औरत किसी स्कूल ऑफ थॉट्स के दायरे में आती है और उसकी स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से इजाजत है तो वो जा सकती है, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हम जिस स्कूल ऑफ थॉट्स को मानते हैं उसमें इस्लाम में हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसमें जो है उसमें देवबंदी मसलक उसमें उसमें जो है करता हूं। सैयद रिजवान तो मुसलमान ही नहीं है, वो तो कादियानी है, ठीक है, मैं जफर इस्लाम, वो कादियानी है, आप कैसे बात किसी को आपने नहीं, मैं सैयद रिजवान, और क्यों सैयद रिजवान क्यों बताएगा भाई, नहीं 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 ठीक है, आप सैयद रिजवान कादियानी है, वो तो मुसलमान है ही नहीं, जफर सरेश वाला भी नहीं बताएंगे, वो खुद मान चुके हैं मैं कादियानी, जफर सरेश वाला भी नहीं बताएंगे भाई, इस्लाम जफर सरेश वाला क्यों नहीं बताएंगे, जफर सरेश वाला से आप पूछ सकते हैं, अब वो आसिम आजमी से पूछ सकते हैं, इधर बीजेपी के प्रवक्ता वो भी मुसलमान है उनसे पूछ सकते हैं, रिजवान क्यों बताएंगे, आप टारगेट नहीं करेंगे किसी, नहीं रिजवान कादियानी नहीं, ओके मैं रिजवान से पूछूंगा, आप पूछो मैं सैयद, क्योंकि वो आपकी लाइन नहीं लेते इसलिए वो कादियानी है, आप पूछो उनसे, ओके पूछो उनसे सैयद रिजवान, वो चैनल पे बाकायदा मान चुके हैं कादियानी है सैयद रिजवान, वो मान चुके हैं, मौलाना साहब की दुकान बंद होने का खतरा है इसलिए चिल्ला रहे हैं ये लोग, करेंगे हमारे जवाब, ये कौन सैयद रिजवान हमारी, अमीश भाई जी, ये बार बार जब मुझे कादियानी बोलते हैं आप और आपके व्यूअर, ये खुद सोचते माना है चैनल पे, बात का जवाब आपने चैनल पे खुद माना है कि मैं कादियानी हूं, मैं जवाब, आप चुप रहिए, आप बताइए माना है कि नहीं माना है, नहीं देता हूं आप भाई, पहले ये बताइए कि माना है कि नहीं माना है, पहुंचता हूं और कुत्ते भौंकते हैं तो मैं उनको अपना आधार कार्ड दिखाता हूं, कुत्ते तो आप होंगे, हम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मर्यादा रखिए आप भी, किसी को मेरे पैनल पे आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं नहीं मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, जब मैं अपने घर पर सच्चाई बता रहा हूँ, आपने एक्सेप्ट किया है चैनल पे कि मैं कादियानी हूँ, तो की बात कर रहा हूँ, आप भी पर्सनल अटैक मत करिए और आप भी पर्सनल अटैक मत करिए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, नहीं ये ठीक नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सुनिए ठीक है, आप सैयद रिजवान को 30 सेकंड बोलने दीजिए, सैयद रिजवान आप भी इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए जी जी देखिए हमारे जफर भाई ने एक एक छोटी सी आपत्ति है, आज उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया की, मैं तो बहुत खुश हूं जो ये ऑर्डर हमारी बीजेपी सरकार ला रही है, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट मुसलमानों का एक चेहरा और एक पहचान है, मैं बस इस बात को नहीं मानता हूं, वहाबी और सलाफी जो सोच है जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों को बर्बाद किया है, वो सोच सऊदी अरेबिया से ही निकल के आई है, तो एक बात तो मैं ये नहीं मानता हूं, नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात अमीश भाई, ये जो मसला है ये ट्रिपल तलाक का मसला जैसा नहीं है, जब सऊदी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है और इंडियन गवर्नमेंट ने औरत को पासपोर्ट दे दिया है और उसके महरम ने, उसके अब्बा ने, उसके हस्बैंड ने उसको चार औरतों के साथ जाना हज पे अलाउ कर दिया है, तो आप इसको ट्रिपल तलाक से ना मिलाइए, और वो चार औरतें तय करती हैं और सऊदी अरेबिया उनको वीजा दे देती है, तो ये मौलाना एयरपोर्ट पे जाके उन औरतों को थोड़ी रोकेंगे भाई, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, इनका मतलब ही नहीं है इस प्रॉब्लम से, औरत जाना तो चाहती है, महरम तो उसको भेजना चाहता है, सऊदी अरेबिया वीजा दे रहा है, गवर्नमेंट पासपोर्ट दे रही है, इसमें मौलाना फिट कहां हो रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, मुसलमानों के ठेकेदार, कुछ मौलाना और कुछ मुसलमानों के ठेकेदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हैं, बताइए अबू आजमी, नहीं नहीं देखिए आप जो आपकी जो डिबेट चल रही है मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को, आप जो आप लोग बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, आप कभी ये डिबेट क्यों नहीं करते, आप कह रहे हो इस्लाम में मुसलमानों को जो है औरतों को दबाया जा रहा है, मैं कहता हूं मोदी जी से पूछिए कि उनकी बीवी कहां है, उनकी बीवी को नहीं दबा रहे हैं क्या, ये क्यों नहीं किसी दिन आप डिबेट रखते हैं कि मोदी जी अपनी बीवी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, इस सरकार का मुखिया अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, आप कहने इस्लाम में देखिए 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 आप लोग की तकलीफ है, डिबेट कर रहे हैं बीजेपी को पोलराइज करने का चांस दे रहे हैं, एजेंडे को बदलना चाहते हैं, इस्लाम एक परफेक्ट रिलीजन है, और सुनिए सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन इस्लाम ने जो कानून बना दिया है वो उसके पीछे एक बहुत ठोस सबूत है, एक ठोस कारण है,
अभी जिसको जाना हो जाए, जिसको नहीं जाना हो नहीं जाए, बनाए सरकार कानून, कौन मना करता है? इनके पास मेजोरिटी है असेंबली पार्लियामेंट के अंदर, ये आज मेजोरिटी में है, जो कानून चाहे बना दे। लेकिन जिस तरह से औरतों को जवाब देना चाहता हूं के साथ ही जाना अलाउ है, जो औरतें इस्लामिक होंगी, जो शरीफ औरतें होंगी, वो महरम के साथ जाएंगी। मुझे बोलने का इजाजत नहीं है। ज़फर इस्लाम को सिर्फ वहां जाना है, इस्लाम आप मुसलमान नहीं है, मना नहीं करता आपको, आपको नहीं लग रहा इस्लाम में इसमें खतरा आ रहा है? क्या इसका दूसरा क्या मतलब है? अबू आजमी को लग रहा है इस्लाम में खतरा हो गया? अबू आजमी साहब, महिलाओं के मेकअप पर फतवा इशू हो जाता है जयपुर से, महिलाओं के मेकअप पर तो फतवा इशू हो जाता है, मुसलमान सीएम महिलाओं को अकेले हक में नहीं जा सकती। और आप कह रहे हैं इस्लाम में महिलाओं को दबाया नहीं जा रहा, इस्लाम नहीं दबा रहा, कुछ मौलाना और आप जैसे लोगों की सोच दबा रही है। ठेकेदार है तो मोदी सरकार है, इसका इस बहुत बोल लिया कहते हैं आप कि मुस्लिम औरतों को एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आप ये कहते हैं मुस्लिम औरतों को नौकरी के लिए हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो मैं कहता सरकार मुसलमानों के लिए करना चाहती है ये सिर्फ अबू आजमी सुन लीजिए ना, जफर इस्लाम को, जफर इस्लाम देखे अबू आजमी साहब की कितनी रिग्रेसिव सोच है, कितनी जो कौन, है कौन छोटी सोच है, कौन है? नहीं, आप नहीं, नहीं, नहीं आप, 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 आपने कहा अभी, अभी आपने अबू आसमी साहब आपने कहा क्या अच्छी और, को? नहीं अच्छी औरतें होंगी चार जाएंगी, अच्छी औरतें होंगी, अच्छी औरतें नहीं होंगी तो नहीं जाएंगी। देखिए सबसे पहली बात, नहीं नहीं आप पहले समझ लीजिए, सबसे पहली बात कि ये कानून जो है देश में था, विदेश में कहीं हज कमेटी दुनिया के किसी में हज काउंसिल ने नहीं अब इम्पोज करके रखा था, ये सिर्फ भारत में था, दुनिया के हर ममालिक में इजाजत है कि औरतें जा सकती हैं बिना महरम के, ये कंडीशन हमारे यहाँ लगा के रखा था आप जैसे मौलवी और एग्रेसिव सोच वाले लोगों के लिए। दूसरी बात कि चार औरतें जब जाती हैं तो आपने बड़े इस्लाम के बारे में बात कर रहे, सुनिए एक मिनट, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, बुखारी हदीस की, बुखारी हदीस की आपने पढ़ी होगी, सुनिए बुखारी हदीस पढ़िए, मौलाना बोल रहे थे रशीदी साहब, बुखारी हदीस में भी साफ साफ जिक्र है कि नहीं, साफ साफ जिक्र है इसका, कि औरतें जा सकती है, सफर भी कर सकती है, आदमी के साथ देखिए साल भर बिना शादी के रह सकती है, अरे सुन लीजिए, वाह वाह ताली बजाओ, अरे सुनिए सुनिए, आप ठेकेदार बन के मत रहिए, ठेकेदारी बहुत कर ली, और आप अपने इर्द गिर्द भी देखिए, अपने इर्द गिर्द भी देखिए कि क्या इस्लाम का परचम लहरा रहे देश में, नहीं आप अपने इर्द गिर्द भी देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता, दुनिया को तो आप, दुनिया को तो आप सबक सिखा रहे, अपने घर पे भी देखिए, बोलिए कुछ भी, मैं ब्रेक लेता हूँ, बोलिए कुछ भी, मैं सरेश वाला काफी देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ जफर इस्लाम है, बीजेपी के प्रवक्ता अबू आजमी है, नेता एसपी जफर सरेशवाला चास्टर, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के मौलाना साजिद रशीदी हैं, सैयद रिजवान अहमद हैं, अंबर जैदी, अंबर जैदी अभी तक डिबेट में आई नहीं है, अंबर जैदी में सीधा रुख आपका करता हूं, और एक बड़ा सवाल आपसे मैं पूछता हूं, आप फिल्म बना सकती हैं अपने बलबूते पर, आप जैसी महिलाएं सीईओ हो सकती हैं, आप जैसी महिलाएं विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन कर सकती हैं, बड़े बड़े खेल खेल सकती हैं, यानी गेम्स खेल सकती हैं, लेकिन आप जैसी महिलाएं अकेले हज पर नहीं जा सकती, क्यों? देखिए बताइए ना मौलाना साहब को, आपके बगल में बैठे हैं, ये मौलाना साहब की सोच हो सकती है, इस्लाम में पूरी इजाजत देता है कि हम हज पे बिना महरम के जा सकते हैं, हम हज पे अकेले जा सकते हैं, बिल्कुल किसी महरम की साथ की जरूरत नहीं, क्योंकि इस्लाम हमें किसी भी तरीके की पाबंदी कोई नहीं लगाता, इस्लाम में हर तरीके से औरत को पूरे बराबरी का हक दिया गया है, और जहाँ तक ये एज लिमिटेशन की बात हो रही है कि 45 के अबव ही विद इन अ ग्रुप जा सकती हैं औरतें, तो ये एज लिमिट भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो 18 साल की लड़की भी हज पे जा सकती है। एग्जैक्टली पॉइंट, अबू आजमी अब जवाब क्या है, अंबर जैदी है, फिल्म मेकर है, वो कह रही है 18 साल की लड़की को भी परमिशन मिलनी चाहिए, 45 क्यों है? आप मेरे पास जवाब है ना, हाँ बताइए ना जवाब, ये कादियानी को जो मुसलमान ही नहीं है, आप बुलाइए शिया को, बुलाइए सुन्नी को, बुलाइए अहले हदीस को, बुलाइए देवबंदी को, बुलाइए बरेलवी को, और इन सबों को लड़ने दीजिए स्टेज पे, ताकि दुनिया में तमाशा बने मुसलमानों का, और आप दिखाइए कि मुसलमान एक नहीं है, और इसको जगह प्राइस कीजिए, वो बिना महरम के नहीं जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते आप, अच्छी औरतें कौन होती है, बहुत अफसोस हुआ मुझे आपके इस खुश करना चाहते हैं दलाली करने की बीजेपी की, आप नहीं, आप अपनी भाषा को, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए, आप अपनी भाषा को अबू आजमी मर्यादित रखिए, नहीं मैं आपको बोलता हूँ, दलाली कौन किसी की क्या कर रहा है, मैं उसमें आना नहीं चाहता, अपने ख्यालात हैं, नहीं अपनी भाषा को मर्यादित रखिए, बहस की क्या जरूरत है, नहीं बिल्कुल बहस की जरूरत है, इसके ऊपर बहस की जरूरत है, आप जैसे लोगों के लिए जरूरत है, जो महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते,
जो चाहते कि महिलाओं की नाती नीचे रहे, जो महिलाओं को चाहते उनके रिश्ते के मुंह नीचे रहे, उनकी बहन की झूठी रहे, आप लोग उस मानसिकता के लोग हैं, आप लोग उस मानसिकता के लोग हैं, और लोग नंबर जैदी, आई टेक ऑन दिस मैन नाउ, तमाशा बना रहे हैं मुसलमानों की कौन का, ये आप चाहते हैं, यू पीपल हैव रियूंड इस्लाम, आप लोगों ने इस्लाम का नाम बदनाम करा है, सच बात तो ये है, होल्ड ऑन, आप लोगों ने इस्लाम का नाम बदनाम करा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करनी चाहिए, रुकिए आप ऐसे इंकार नहीं करते, आपकी बात करनी चाहिए, बिल्कुल गलत, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे इंकार आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, आपने परफेक्ट बिलीव करनी चाहिए, इंकार को ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देश की हक की बात है, क्योंकि महिलाओं की हक की बात है, आप कीजिए, आपको जो पहले कीजिए, ये अच्छे लोगों का है, मैं बिल्कुल होता हूँ, बिल्कुल होता हूँ, बिल्कुल होता हूँ, बिल्कुल होता हूँ, जिस हिंदू धर्म में 10 साल की बच्ची की शादी जायज है उस पर बात नहीं करते, गलत क्यों नहीं करते, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, गलत बोलता हूं उसको, 84% हिंदुओं में बच्चियों की शादी हो रही है, उस पर बात नहीं करते, मैं आंकड़ा देता हूं, झुठलाता हूं, मैं आंकड़ा देता हूं, झूठा आंकड़ा का आंकड़ा है, गलत बोल रहे हैं आप, अगर होता है तो गलत, सेंसेक्स का आंकड़ा, अगर होता है तो गलत, सेंसेक्स का आंकड़ा, और उसके ऊपर क्यों नहीं बहस करते, बात होती है, क्यों सही को सही कहता है क्या, हिंदू बाबा क्या कर रहे हैं, कैसी बातें करते हैं बाबा, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बात करते, आप लोगों ने, आप लोगों ने हर बाबा पकड़ा जा रहा है, आप लोगों ने इस्लाम को पकड़ा जा रहा है, आप जैसे लोगों ने इस्लाम को पकड़ा कर दिया, उसका बेटा पकड़ा गया, राम गोपाल पकड़ा गया, सारे बाबा पकड़े जा रहे हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते आप, अरे किस बीजेपी कोई बात नहीं करती उस पर, आपको इस्लाम दिखता है, मौलाना दिखता है, सरेश वाला रिस्पॉन्ड, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, जफर इस्लाम यू, ओके जफर सरेश वाला फर्स्ट चोट, सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए सारे चैनल जो है सामने आ रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, बीजेपी को खुश कर रहे हैं, अरे डर रहे हैं आप, अमीश ये नहीं, बीजेपी को खुश कर रहे हैं, जफर सरेश वाला, अमीश एक मिनट भाई, देखिए ये बात बीजेपी की या किसी की नहीं है, आई थिंक वी आर ट्रिविलाइजिंग इतनी इम्पॉर्टेंट डिबेट को, ये एक हेल्दी डिबेट है, एकेडमिक डिबेट होनी चाहिए, रही बात इस्लाम में, सुनिए कुछ उलमा हैं उनके नजदीक नहीं है, एक बहुत बड़ा उलमाओं का तबका आज से नहीं, सफे अव्वल से पहले ही दौर से उनके नजदीक औरतें जा सकती हैं, और हजरत उमर के जमाने में, मैंने कहा मैं आपसे कहता हूँ, अजवाजे मुताहरात हजरत उमर के दौर में, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौर में गई थी, ये एक एहतियात का पहलू था, इसको आप क्यों इतना वो बनाते हैं, ठीक है, और अगर सऊदी हुकूमत वीजा देती है, वो औरत के महरम उसको जाने देते हैं, उसके पास टिकट है, भाई जाने दीजिए, ठीक है, वही तो कह रहा हूं, इसको हम लाइफ एंड डेथ का क्यों इशू बनाते हैं, हर चीज को रुके ना, रुके रुके रुके, जफर इस्लाम, जफर भाई, जफर भाई, एक बात बता, जफर इस्लाम जवाब, जफर इस्लाम का जवाब, नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर, जफर इस्लाम अफजल अमानुल्लाह इस बात को एडमिट कर रहे हैं, तो कहने की जरूरत नहीं है ना, दमी जी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तीन चार बात रखूंगा, मुझे पहले बार मौका नहीं मिला, देखिए सबसे पहली बात है अमित जी, जी सबसे पहली बात है कि हम जो दो जो एक मौलाना रशीदी जी और अबू आसिम जी दोनों को ये बताना चाहते हैं कि डबल और खास के अबू आसिम जी को कहना चाहते हैं डबल स्टैंडर्ड कैसे, उनके लिए कुछ दूसरा कानून इस्लाम और बाकी जो मुसलमान हैं उनके लिए दूसरा कानून है, कौन कह रहा है साफ साफ है? नहीं सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने बहुत कुछ बोल दिया, आपने कहा कि घर से औरतें निकल रही है, स्कूल ऑफ थॉट्स है मुसलमानों के अंदर है कि नहीं है, निकले वो ठीक है, आप मानते कि नहीं मानते उसको, स्कूल ऑफ थॉट्स है मुसलमानों की औरतें निकले, मानना पड़ेगा उसको, आपको इस तरह से किसी के यहां है किसी के यहां नहीं है, जफर भाई ने भी उसको एडमिट किया है, आपके वजीर उसको एडमिट कर रहे हैं, अफजल अफजल अमानुल्लाह उसको एडमिट कर रहे हैं, सरकार को कैसे नहीं मानेंगे, सरकार को ये कोई भारतीय नहीं, आप कैसे नहीं मानेंगे उसको, स्कूल ऑफ थॉट्स है, आपको मानना पड़ेगा, आपकी जाहिलियत में मुझे अफसोस हो रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने फैसला थोड़ी लिया है, ये फैसला जो है ग्रुप ने लिया है कि सिर्फ बैन जो था उसको हटाने का, बाकी ममालिक ने इसको पूरा तौर से इजाजत दी है, साथ साथ वो तो कमेटी की रिकमेंडेशन है, देखिए किसी को कमेटी की सिर्फ रिकमेंडेशन है, नहीं है फैसला तो हुआ नहीं अलाउड है, आपको तो यही पता नहीं फैसला हुआ क्या, अगर वो जाना चाहे ग्रुप पे, लेकिन आप लोग आपकी दुकान चलती है यहाँ पर, आपकी दुकान बंद की रिकमेंडेशन को फैसला बता रहे हैं, फैसला कैसे हो सकता है, अरे भाई किस किधर से आप, वो रिकमेंडेशन है मेरे भाई, देखिए मुसलमानों को आप किस तरह से मिसलीड करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, पहली बात की तो बीजेपी चला रही है, ये बताइए ये बताइए बुखारी बुखारी शरीफ की हदीस झूठ की दुकान चला रही है, यही देती है वजीर आलम से लेकर बुखारी शरीफ की हदीस को मानते हैं कि नहीं, कुरान में तो इसका कोई जिक्र नहीं है, बुखारी के अलावा कहीं क्या है, आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, बुखारी शरीफ की इजाजत है कि नहीं, एक ग्रुप में सफर कर सकती है, नहीं फिर एक नया झूठ ले आते हैं, खूब बना रहे हैं, दाढ़ी टोपी रखने से मुसलमान नहीं हो जाता, बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, आसमिन को भी
कि वो गलत हो गए, झूठ आदमी को नहीं रखते। ठीक है, अबू आज़मी आप पर कई सारे सवाल हुए, मैं चाहता हूँ कि अबू आज़मी आप जवाब दें सिलसिलेवार तरीके से, और मैं आपसे सवाल पूछता हूं। नहीं नहीं, मैंने बोला था ब्रेक से पहले कि मैं बड़ा सवाल पूछूंगा अबू आज़मी से। नहीं नहीं, ठीक है, जफर इस्लाम वाला रुकिए, अब आप जफर इस्लाम माफ करिए, आप रुकिए, मैं सीधा आपसे आज़मी साहब पूछता हूँ। आज़मी साहब एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मोदी सरकार मुसलमान विरोधी हो सकती है, आपकी ये राय है और आप स्वतंत्र अपनी राय देने के लिए, भारत में आजादी है इसलिए खुल के आप तमाम बातें रखते हैं। सऊदी अरब 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं बिना मेहरम के हज जाती हैं। इंडोनेशिया में किसी भी उम्र की महिलाएं मेहरम की जरूरत नहीं है। इंडोनेशिया में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हज पर जाती है। पाकिस्तान जाफरिया श्रद्धालुओं को महरम से छूट मिली हुई है। 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को भी मिली हुई है, मिलती है छूट। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में, भारत में ऐसी छूट महिलाओं को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्यों आप अपने नीचे दबा के रखना चाहते हैं महिलाओं को? बताइए इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, हम बिल्कुल दबा के नहीं रखना चाहते हैं। सुनिए, दे रहा हूं ना जवाब आपको। मैं कह रहा हूं ना कि हाँ, 45 साल की उम्र की औरतें अपने आप बिना महरम के जा सकती हैं। ये कानून बन रहा है, अभी बात चली, कानून बना नहीं, अभी इस पर बहस हो रही है। अगर बन जाता है कानून, तो जिन औरतों को जाना है, जिनके यहाँ अलाउ है, जिनके मसलक में अलाउ है, वो जाएंगी, जिनके मसलक में अलाउ है वो नहीं जाएंगी। हमारे यहाँ देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, कादियान, कितने लोग, किस तरह की बात लोग हैं। तो ये तो बहस हो रही है कि इसमें कोई, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो कानून बन रहा है, सरकार बनाए, जिसको जाना हो अमल करेगा, जिसको नहीं जाना हो अमल नहीं करेगा। मैं देवबंदी मसलक को जानता हूँ अच्छी तरह से, कि ये लोग जो है अपनी औरतों को बगैर किसी महरम के नहीं भेजेंगे, ये नहीं भेजेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग भेजेंगे। अबू भाई ने जैसे अक्सर हमारे मुसलमान भाई करते हैं, कुछ और भाई करते हैं, तुरंत मोदी जी की पत्नी बात करने लगते हैं। आप तो मुसलमान है, देखिए हमारी मुसलमान औरतें घर से निकलती हैं, कोर्ट जाती हैं। रोकना चाहता हूं आप लोगों को। मेरे साथ इस समय मुख्तार अब्बास नकवी लाइव है, केंद्रीय मंत्री। नकवी साहब, ऐसा क्या कर दिया मोदी सरकार ने कि तमाम मौलाना, कट्टरपंथी मौलाना पीछे पड़ गए, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताइए। देखिए अमीश जी, 2012 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक जजमेंट आया, और 2012 में मोदी जी सरकार में नहीं थे, 2012 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी। और उसके बाद एक जजमेंट आया, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब्सिडी से लेकर के तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके और न्यू हज पॉलिसी 2018 में बनाई जाए। उस वक्त जो है वो ठंडे बस्ते में वो डाल दिया गया। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट को ये आपको बताना पड़ेगा कि आपकी हज पॉलिसी क्या है। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने हज पॉलिसी को बदलने में हिंदुस्तान में 70 साल लग गए जी। तो 2000 उसके बाद एक कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाई, जिसमें कि तमाम काबिल लोग थे, जो कि इस बारे में उन्होंने लगभग 7 महीने तक डिफरेंट जो अलग अलग इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उलमा थे, हज कमेटीज़ अलग अलग स्टेट्स में थीं, अलग अलग जो पब्लिक, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, सऊदी अरब में जो सरकार थी सऊदी अरब की और उसके रिप्रेजेंटेटिव, उनसे अलग अलग तरह से अलग अलग पहलुओं पर डिस्कशन किया, चाहे वो हैदराबाद गए हों, मुंबई गए हों, कोलकाता गए थे, लखनऊ गए, सभी जगहों पर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी हज के बेटरमेंट के लिए, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के तमाम उसमें बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस हैं, एकोमोडेशन को लेकर के है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के है, एयरलाइंसेस को लेकर के है, एम्बार्केशन पॉइंट्स को लेकर के है। और उसके बाद जो है ये उसी दौरान एक एक्सपीरियंस आया कि हिंदुस्तान एक ऐसा अकेला मुल्क बचा हुआ है जहाँ पर कि महिलाओं को जो है वो अकेले हज में जाने का की इजाजत नहीं है। कितनी शर्म की बात है। तो उस वक्त कमेटी ये हमारा तो कमेटी ने डिस्कस किया, कितनी शर्म की बात थी हमारे मुल्क के लिए। अब मोदी सरकार ने 70 साल बाद एक बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है जी? नहीं देखिए, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ भी, मैं इसको रूप में राजनीतिक रूप में मैं देखता भी नहीं हूँ। लेकिन देखिए क्या है, हमारा देश सेकुलर कंट्री है। अब जब सऊदी अरब की अथॉरिटीज़
हमारी कमेटी के लोगों से ये कहें कि साहब आप कमाल है, तमाम इस्लामिक देशों से मुस्लिम महिलाएं अकेले आ रही हैं तो आपने क्यों रोक। अच्छा, उन्होंने वैसे मैं आपको बता दूं आपके चैनल पे कि उनके तरफ से कोई उम्र का की बंदिश नहीं है, उनकी तरफ से ये नहीं है कि आप 45 साल कीजिए या ग्रुप में भेजिए। हमारी डिबेट में एक फिल्म मेकर है अंबर जैदी, वो कह रही थी कि 18 साल से क्यों नहीं करा आप लोगों ने, वो तो शिकायत कर रही थी। नहीं नहीं, मैं तो मैं 18 साल से क्यों नहीं, तो ठीक है उसे, जब 18 साल से वोट देने की आजादी मिल सकती है तो हज पर जाने की आजादी नहीं मिलेगी। नहीं, अजमल साहब का लेटर आया, अपने मुंबई के हैं आजमी साहब, उनका भी मेरे पास लेटर एक आया है और ओवैसी साहब का भी। अच्छा, मौलाना आजमी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं मौलाना आजमी नहीं, अबू आजमी साहब जो एमएलए हैं वहाँ के, उनका लेटर, अबू आजमी मेरे साथ लाइव बैठे हुए हैं उनका। अच्छा, तो उनका भी आया, कई लोगों के अलग अलग सुझाव आए हैं। देखिए, एक बात हम बहुत दो लाइन में कहना चाहते हैं, मैंने जो अभी तक हमने ये बंदिश जब भी वीजे लगाने भेजे हैं, जब भी अगर महिला अकेली है तो वीजा नहीं लगाते हैं लोग, बंदिश ये मेरी जानकारी में है। आप कह रहे हैं कि नहीं सऊदी अरब वाले अलाउ करते हैं, ये मेरे लिए खबर है, मैं इसको चेक करूंगा। जी हाँ, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि हमने रोक लगाई हुई थी तो सऊदी अरब कैसे दे देगा। हमारी सरकार ने रोक लगाई हुई थी, हमारी सेकुलर सरकार ने रोक लगाई हुई थी कि औरतें जो है नहीं जा सकती। अब हमने वो उस रोक को, जो बंदिश थी उस बंदिश को लिफ्ट किया है। अब अलग अलग मसलक हैं, अलग अलग हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलग अलग मसलक हैं, अलग अलग मसले हैं, वो मसलक और मसलों के हिसाब से, मुख्तार भाई, हाँ मसलक और मसल, जी जी मसलक और मसलों के हिसाब से जो है वो, अगर हम लोग जो मसलक अलाउ करता है के लिए किसी महिला का अकेला पासपोर्ट देते हैं तो आप सुनिए सुनिए मुख्तार भाई, हमारी सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट अकेली औरत को हम उमरा पे भेजना चाहते हैं तो आज भी सऊदी की कौंसुलेट या एम्बेसी वीजा नहीं देती, ये कानून है, इसमें हिंदुस्तान की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, नहीं हिंदुस्तान की सरकार से एग्री करता हूं, नकवी साहब आपका जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। ओके, ऑल ऑडियो इज आउट, नकवी साहब आपका 30 सेकंड में जवाब सर। मैं जो 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 किसने ये बात करी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये किन की बात थी, आवाज थी अबू आजमी की। अबू आजमी साहब जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप हज के लिए या उमरा के लिए अगर अकेली औरत का आप पासपोर्ट देंगे तो बिल्कुल सऊदी रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि सऊदी और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एग्रीमेंट होता है जी जी कि हमारे यहाँ से कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सऊदी ने अपने यहाँ से ये जो कोई बंदिश रही होगी, कभी रही होगी मुझे नहीं मालूम कब थी, वो उठा ली ठीक है, और हमने जो है वो बंदिश कायम रखी। अब आज हमें 70 साल हो रहा है कि हम उस बंदिश को कह रहे हैं कि जी अब बंदिश आज हम उठा रहे हैं, उस पे भी बहस हो रही है, तो हम ये नहीं कह रहे हम सरकार की भूमिका इतनी है कि हमने उस बंदिश को खत्म किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका मसला खिलाफ करता है तो आप जाइए, आपका मसला खिलाफ नहीं करता आप मत जाइए। नहीं नकवी साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, पीछे 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 एक फतवा आया कि महिलाएं मुस्लिम महिलाएं मेकअप नहीं कर सकती, क्या आपको लगता नहीं है ये ढकियानूसी सोच है, इसको बदलना चाहिए इस देश के अंदर, जब देश इतना आगे बढ़ रहा है, समाज इतना आगे बढ़ रहा है। देखिए, मैं फतवों का बहुत लंबा मसला होता है, जो फतवे मैं तो मतलब कहता है कि टीवी वालों को भी फतवा नहीं उनकी बात कहनी चाहिए, क्योंकि फतवा वो देने का जो लोग जिनका आता है ना उनको हक ही नहीं है, उनको जो है ना हक है ना, वो इस्लामिक अगर आप तरीके से देखें तो वो दे भी नहीं सकते। नहीं, ये दारुल उलूम का है, ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है सर, मुस्लिम महिलाओं का बाल कटवाना, आईब्रो बनवाना, ब्यूटी पार्लर जाना इस्लाम के खिलाफ है, ये दारुल उलूम के फतवे। देखिए, मैं उसको फतवा नहीं कहता, लेकिन अगर इस तरह की किसी ने बात कही है तो मुझे लगता है उसको ठीक से उस बारे में सोचना चाहिए और दारुल उलूम को भी इस बारे में वजाहत करनी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया सर, आज इस खास दिन पर, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आर पार में तमाम न्यूज मेकर्स आते हैं, देश का नंबर वन डिबेट शो है, यहीं से शुरू करेंगे जहां बात खत्म हुई है, वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं के हक की बात है, ये मुस्लिम महिलाओं के इंसाफ की बात है, और इस इंसाफ की लड़ाई में मुस्लिम महिलाओं को इस देश की जरूरत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और मेरे साथ जफर इस्लाम है, अबू आजमी है, सैयद रिजवान है जो कि पहले नहीं आ पाए थे। सैयद रिजवान, आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि मौलाना का इस्लाम और जो कुरान शरीफ का इस्लाम है उसमें ये लोग फर्क पैदा कर रशीदी साहब जैसे लोग कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने हक से दबाना चाहते हैं?
जब पाकिस्तान कर सकता है, सऊदी अरब कर सकता है? इस मुद्दे पर तो कयामत आ जाएगी और ये चीज तय नहीं हो पाएगी। मैं बड़ा छोटा सा सवाल आपके और आपके व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ। जिस भी फिरके के हैं उस फिरके की एक औरत, चार औरतें हज पे जाना चाहती हैं, जिस भी फिरके के रशीदी साहब हैं, इनका फिरका हज पे जाना बिना महरम के अलाउ नहीं करता। सऊदी गवर्नमेंट ने वीजा दे दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने पासपोर्ट दे दिया, उन औरतों के महरम ने, उनके मां ने, उनके बाप ने उसको अलाउ कर दिया। अरे भाई, हम नहीं जाने देना चाहते। रशीदी साहब उस औरत को रोकेंगे कैसे, ये तो बताएं ना, क्या करेंगे? ये उसमें अलाउ नहीं है। आपको क्या दे रहे हैं? देखिए, एक मुझे बात बताइए, क्या है इसके लिए? नहीं, आप स्कूल ऑफ थॉट में क्या कर रहे हैं? आपके स्कूल ऑफ थॉट में क्या है? महिलाएं मेकअप न करें, ये आपके स्कूल ऑफ थॉट को नहीं मानते। स्कूल ऑफ थॉट में महिला मेकअप भी न करें, आप तो खत्म नबूवत को नहीं मानते, आप कुरान को नहीं मानते, आप नबी को नहीं मानते। हमें तो दिक्कत नहीं है। आप रोकेंगे कैसे भाई? मैं क्या मानता हूँ, नहीं मानता, ये छोड़िए। आपको क्या दिक्कत है हमसे? ये तो बताइए। नहीं, आपको क्या दिक्कत है हमसे? हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स में पाबंदी है, नहीं जा सकती औरत। आपको क्या दिक्कत है? आप नबी को नहीं मानते, हमें तो दिक्कत नहीं है। कैसे अगर आप रसूल को नहीं मानते, हमें दिक्कत नहीं है। आप कुरान को नहीं मानते, हमें दिक्कत नहीं है। मतलब नहीं है, जाइए आप जैसे लोगों की इस्लाम, आप जैसे लोगों की इस्लाम की जरूरत भी नहीं है। देखिए, धीरे 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 ये लोग साजिद रशीदी जैसे लोग जो इस तरह के जो लोग भी मुस्लिम समाज में इस तरह के रिग्रेसिव थॉट्स रखते हैं और गलत बयानी से काम लेते हैं और मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं मुस्लिम समाज को और मुस्लिम महिलाओं का खास, ठीक है सर, उन लोगों के दुकान बंद होती जा रही है। सर, वाइंड अप है सर, मेरे पास समय नहीं है। अबू आदमी 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, मेक योर पॉइंट। क्या आपको लगता है ये रिग्रेसिव सोच नहीं रखनी चाहिए? 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है कि बगैर महरम के और नहीं जा सकती, और जहां तक मैंने डिस्कशन किया सारे लोगों से, उसमें यह है कि चार महिलाएं 45 साल की अगर हैं, वो एक साथ जाएं, को, एक और आप अपनी सोच को बना के रखिए। ये आपकी सोच है, इस सोच को तो समय ही बदलेगा, ये सिस्टम ही बदलेगा। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अबू आदमी साहब, प्लेजर हैविंग यू। आपका भी रशीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रिजवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जफर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी अमर जैदी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस डिबेट को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन निष्कर्ष यही है इस बहस के अंदर कि लाख दबाना चाहो आप गलत बात को, लेकिन गलत बात तो उभर के आती है और हटना उसका तय होता है, चाहे कोई भी कुरीति हो। फिलहाल आर पार में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।